नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। जलगांव पुलिस द्वारा बोगस कपास बीज बेचने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई, 4,16,000 की कपास बीज किए जब्त। फारूक अहमद के बयान पर चंद्रकांत खैरे ने दी प्रतिक्रिया, मानहानि के मुकदमे से नहीं डरता, ऐसा चंद्रकांत खैरे ने कहा। और नागपुर के कामगार नगर चौक पर गोलीबारी की घटना, गोली मारकर जान से मारने की गई कोशिश। और अब खबरें विस्तार से। चोपड़ा तालुका में अनुमोदित कपास के बीज बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने डमी ग्राहक बनकर विश्वास में लेकर उसका पर्दाफाश किया है। साथ ही 4,16,250 के कपास के 333 बीज जब्त किए हैं और पुलिस आगे की जांच कर रही है। चोपड़ा तालुका में कृषि विभाग और ग्रामीण पुलिस स्टेशन की एक संयुक्त टीम तालुका के हेड काजीपुरा फाटा और काजीपुरा गाँव में गैर सरकारी अनुमोदित कपास के बीज रुपए में बेचे जाने से डमी ग्राहक बनकर 10 पैकेट और फिर 20 पैकेट लेकर बीज विक्रेता को विश्वास में लिया और घर का निरीक्षण करते समय उनके घर से 333 अवैध कपास बीज के पैकेट मिले। 333 कपास के बीज की कीमत 4,16,250 है, जिसे पुलिस ने जब्त किया। चोपड़ा ग्रामीण थाने में मामला दर्ज किया गया है। टीम में जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अरुण ताइडे, तालुका कृषि अधिकारी दीपक सालुंके, कृषि सहायक और पुलिसकर्मी शामिल थे। आज आम्हाला सकाळी मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार कृषि विभाग व चोपड़ा ग्रामीण शहर पुलिस स्टेशन माननीय PI साहब आम्ही दोघांनी संयुक्त मोहीम आखून आजच्या ह्या मोहिमेचं हे केलं, म्हणजे माल मुद्देमाल सापडवण्यात आलेला आहे। हा सुरुवातीला आम्हाला हातेड इथं एका गॅरेजवर पाकिटं मिळतात अशी सूचना मिळाली। त्यानंतर आम्ही गॅरेज मालकाकडे डमी गिरायक पाठवून त्याच्याकडनं 10 पाकिटं घेतली। त्यानंतर त्याला विश्वासात घेऊन परत 20 पाकिटं त्या आणणाऱ्याला सांगितलं, त्याने 20 पाकिटं आणली, अशी 30 पाकिटं झाली। त्यानंतर आम्ही त्याला पोलीस प्रशासन आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने त्यांच्या घरी जाऊन धडाधडती घेतली असता या आम्हाला 333 पाकिटं आज पिंक वॉट ह्या अनधिकृत SPBT कापसाची आढळली आहे, जप्त करण्यात आली। कुठे केले सर, कुठल्या गावाला केले? सुरुवातीला हातेड, नंतर काजीपुरा फाटा आणि नंतर मग काजीपूर गाव। बरं, या संपूर्ण 300 पाकिटचा अमाऊंट किती आहे? 1,250 रुपयाला एक पॅकेट विक्री केली जात होती। हो, 1,250 प्रमाणे विक्री केली जात होती। त्याचं अंदाजित त्याचं मूल्य 4,16,250 एवढं। बरं, तर आरोपी एकच आहे का अजून कोण आहे? आता आरोपी म्हटलं तर एक गॅरेजवाला होता, त्याच्याकडनं आम्ही त्याच्या माध्यमातूनच त्यांच्याजवळ पोहोचलो। यवतमाल के घाटंजी तालुका के करमाना गांव में कृषि विवाद को लेकर दो गुट में मारपीट में काफी लोग घायल हो गए हैं। बुरियेवार के खेत की टुकड़ी टुकड़ी को निरोध विभाग द्वारा अंजाम दिया गया था। तब घाटंजी थाने के थानेदार मनीष दिवाते के मार्गदर्शन में जमादार प्रदीप मेश्रे व जमादार अशोक मड़ावी ने दारू के कारखाने पर छापेमारी कर 450 लीटर शराब व 23,860 रुपए की अन्य सामग्री जब्त की है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। घाटंजी तालुका के कोली बुजुर्ग में 29 मई को जब आरोपी महेंद्र मरापे के खेत में शराब निकाली जा रही थी, थाने के थानेदार मनीष दिवाटे के मार्गदर्शन में जमादार विनोद मेश्राम ने आरोपी राजू बुरियेवार, अनिकेत बुरियेवार, गजानन बुरियेवार व जावई पर धारा 324, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस आगे की जांच कर रही है। वीकेबी न्यूज के लिए अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने आरोप लगाया था कि MIM और वंचित बहुजन गठबंधन ने BJP से 1,000 करोड़ रुपए लिए है, ये तो पूरी दुनिया जानती है लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता। दुनिया को जानकारी कब मिली, कहां से मिली और कहां इस्तेमाल की? मुझे मानहानि के मुकदमे से डर नहीं लगता, मानहानि का दावा करने दे, क्या उनके पास सबूत है? ऐसा सवाल चंद्रकांत खैरे ने पूछा है। तो आता कालचा होता, आता ते देश पूर्ण सगळीकडे ऐकून घ्या, हे सगळं दुनियेला माहीत आहे। हे आता कोणी पण उघडपणे बोलायला पण तयार नाही आहे, त्यामुळे सगळं दुनियेला माहिती आहे की हे कोणी घेतले, कसे झाले, काय झाले, कुठं वापरले, काय वापरले, हे असं त्यांचं मानहानीचं दाव्याला तुम्ही कसं वागता? करू द्या ना, काय फरक पडतो, मी नाही घाबरत।
ते घाबरणार पण नाही, पण ते पुरावा तर त्यांच्याकडे पण पाहिजे ना. बघतो, चला एक ब्रेक का मिळते, एक छोटेसे ब्रेक की बात. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. यवतमाल के संकल्प फाउंडेशन की ओर से प्लास्टिक उन्मूलन अभियान किया गया. संकल्प फाउंडेशन की मुखिया ने स्वयं झाड़ू अपने हाथ में लिया और सफाई अभियान चलाया. आज संकल्प फाउंडेशन, इको लवर ग्रुप, म्यूनिसिपल हाईस्कूल 1995-96, क्लास फ्रेंड ग्रुप और पर्यावरण विद यवतमाल कर का 11वां संकल्प संडे प्लास्टिक एलिमिनेशन स्कूल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ. प्लास्टिक साम्राज्य अन्य प्रशासनिक भवनों के सामने फैला हुआ था. संकल्प की इस पहल के लिए फाउंडेशन नगर परिषद प्रमुख और प्रशासक माधुरीताई मड़ावी ने प्लास्टिक को मिटाने के लिए 2.5 घंटे तक अथक परिश्रम किया. यवतमाल कर के लोगों के लिए काम करना एक अनुकरणीय बात है. कम से कम अगर शहर के लोगों को आसपास के प्लास्टिक से छुटकारा मिले और 4 लोगों को बुद्धिमान बनाए तो शहर में वर्षों से निष्क्रिय पड़े प्लास्टिक का उन्मूलन जन भागीदारी से सफल हो सकता है. मुख्यमंत्री की चुनौती को चुनौती देते हुए संकल्प ने इस पहल की सराहना की. म्यूनिसिपल हाईस्कूल समूह के सदस्य रवि शिंदे ने अभियान के अंत में सभी सदस्यों की उपस्थिति में अपना जन्मदिन मनाया. वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट. संकल्प फाउंडेशन यवतमाळच्या वतीने शहरातील प्लास्टिक निर्मूलनाचं काम सुरू आहे आणि मागील 11 आठवड्यांपासून दर रविवारी संकल्प फाउंडेशनचे सगळे सदस्य शहरात जिथे जिथे कचरा आहे आणि प्लास्टिक आहे हे सगळं उचलून लोकांना संदेश देत आहेत. सगळ्यांमध्ये जाणून जागृती निर्माण करत आहेत की प्लास्टिकचा वापर कमीत कमी करावा आणि प्लास्टिक इतरत्र फेकू नये. आणि जेव्हा जेव्हा ते आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करतात आणि जे संकल्प फाउंडेशनचे जे काम आहे ते आम्हाला नगर परिषदेला अतिशय मदतीचं आहे आणि त्यांच्यामुळे आम्ही जो लोकांना संदेश देण्याचा प्रयत्न करतो प्लास्टिक वापरू नये तो संदेश ते डायरेक्ट लोकांना देत आहेत, त्याबद्दल त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आम्ही 11व्या प्लास्टिक निर्मूलन रविवारी धुळशाळा आणि पाटबंधारे विभाग येथे सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत आणि सर्व इको लवर संकल्प फाउंडेशन आणि अदर ग्रुपसोबत प्लास्टिक निर्मूलन कार्यशाळा आयोजित केली आहे. याच्यामध्ये आम्ही सर्व विखुरलेलं प्लास्टिक जमा करत आहोत. मी सर्व यवतमाळ नागरिकांना आवाहन करतो की आपण आपल्या घरामधलं प्लास्टिक हे कुठेही रस्त्यावर इतरत्र न फेकता ते आपल्या घरातल्या डस्टबिनमध्ये ठेवून जेव्हा नगर परिषदची गाडी आपल्याकडे येत असेल त्यांना ती सुपूर्द करावं, जेणेकरून या प्लास्टिक मटेरियलचं संकलन करून त्याचं योग्य पद्धतीचं व्यवस्थापन करता येईल. तालुका के
के मेंढोली में एक तेज रफ्तार बोरवेल वाहन का अगला पहिया फूट गया और वाहन पलट गया। रविवार को हुई इस घटना में एक 20 वर्षीय मजदूर वाहन में आने से उसकी मौत हो गई। 29 मई दोपहर 1:30 बजे बोरवेल वाहन का पहिया फूटने से वह पलटा और उसमें एक 20 वर्षीय युवक की हत्या हो गई। रमन अमृतला पुसम के रूप में मृतक की पहचान हुई है, जबकि इस घटना में मखान उइके, अशोक कलमू और दिनेश गतपल्ली घायल हो गए। रविवार को मेंढोली शिवारा के पास खेत में बोरवेल खोदने गया था। काम पूरा कर शेरपुर लौटते समय वाहन का अगला पहिया फूट गया और वाहन पलट गया। इस समय बोरवेल वाहन के सपोर्टर पर 4 मजदूर बैठे थे। पहिया टूटते ही वाहन अनियंत्रित हो गया और सवार मजदूर नीचे गिर गया। उसी समय वाहन के नीचे रमन कुचल गया और अन्य मजदूर मामूली रूप से घायल हो गए। घटना होते ही इलाके के नागरिक जमा हो गए। उन्होंने कुचले गए युवक को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मृतक के भतीजे निलय तरपाल उइके थाने पहुंचे और दुर्घटना की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्र की रिपोर्ट। नागपुर के कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कामगार नगर चौक में गोलीबारी होने की जानकारी सामने आई है। शेख शकील नामक व्यक्ति पर बंदूक से गोली मारकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। जिस व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई वो अभी जिंदा है। जख्मी को भी मेवो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल जाकर जांच शुरू कर दी है। दिग्रज शहर में धूम स्टाइल बाइक चलाने से हादसों की संख्या में इजाफा हुआ है। आजकल जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं होता वो भी स्पीड में बाइक चलाते नजर आते हैं। इस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की जाने के कारण लोगों में दहशत पैदा हो रही है। 6वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के बीच दुर्घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चों को दोपहिया बाइक लाइसेंस के बिना स्कूल से आने जाने के लिए अवैध सवारी दे रहे हैं। 30 मई को सुबह 10 बजे अमूरा के सामने दो वाहनों की टक्कर में एक महिला मामूली रूप से घायल हो गई। धूम स्टाइल की रोमांचक बाइक सवार गैर जिम्मेदार अभिभावकों के कारण हादसों की संख्या भी बढ़ गई है। जबकि पुलिस प्रशासन धूम स्टाइल बाइक अज्ञानी स्कूली बच्चों को संभालने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। देखने में आ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर स्कूली बच्चों द्वारा वाहन हाथ में लेकर कानून को रौंदा जा रहा है। ट्रैफिक जाम जहां पार्किंग का खर्चा दिख रहा है, लेकिन कार्रवाई 0% है। धूम स्टाइल बाइक सवारों पर अंकुश लगाने के लिए नागरिक संबंधित विभाग के RTO कार्यालय और पार्किंग में पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्र की रिपोर्ट। नागपुर में नागेश्वर नगर कापसी बिड़गांव रोड भंडारा रोड नाका नंबर 5 NMC नाका के पास वाले खेतानी एंटरप्राइजेस को आग लग गई थी। सुबह करीब 4:30 बजे ये आग लगी थी। इस भीषण आग को बुझाने के लिए कलमना, लकड़गंज, सुगत नगर, गंजीपेट, सक्करदरा, कॉटन मार्केट फायर स्टेशन से 6 दमकल वाहन रवाना किए गए। आग भीषण होने की वजह से इस पर काबू पाने में 2 घंटे लगे, जबकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। तो वीकेबी के हिंदी बुलेटिन में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।